776 ईसा पूर्व यानी आज से 2800 साल पहले जब ओलंपिक की शुरुआत हुई तो ये खेल मात्र एक दिन के होते थे। इन्हें नॉर्थ ईस्ट पेलोपोनेस के जंगलों में स्थित ओलंपिया सेंचुरी में आयोजित किया जाता था। एक दिन के इस इवेंट में पैदल दौड़ का आयोजन होता था। 400 ईसा पूर्व तक पहुंचते पहुंचते ये आयोजन एक से बढ़कर 5 दिन का हो गया और इसमें रनिंग के साथ जंपिंग, थ्रोइंग, बॉक्सिंग, लॉन्ग जंप, भाला फेंक और चैरियट रेस जैसे खेल भी जोड़े गए। बाद में इस आयोजन को 4 साल के अंतराल पर किया जाने लगा, जिसे ओलंपियाड कहा जाता था। ओलंपिया के इन इवेंट्स में ज्यादातर एथलीट बिना किसी कपड़ों के खेलने उतरते थे। माना जाता है कि वे ग्रीक गॉड को अपनी शारीरिक क्षमता दिखाने के लिए ऐसा करते थे। ग्रीक में ओलंपिक धर्म से जुड़े हुए थे। 400 ईस्वी तक ग्रीक गॉड्स की तरफ लोगों का विश्वास कम होने लगा। यही कारण था कि ओलंपिक खेलों की लोकप्रियता भी कम हो गई। इसी दौर में ग्रीक पर बाहरी आक्रमण भी तेजी से बढ़े। इनमें से कुछ रोमन राजाओं ने तो ओलंपिक को आगे बढ़ाने का काम किया। 393 ईस्वी में थियोडोसियस प्रथम ने क्रिश्चियन धर्म के प्रचार के लिए ग्रीक मंदिरों, गॉड स्टैचू पर रोक लगा दी और ओलंपिक को भी बैन कर दिया। इतिहास की पुस्तकों में 261 ईस्वी में आखिरी ओलंपिक खेलों का रिकॉर्ड मिलता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।